ये सभा का रूप देख करके लग रहा है कि आपको इस मई महीने की गर्मी तो सहन करनी है, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार को सहन नहीं करनी है। ये आपका मिजाज, ये आपका मिजाज दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं जाते हैं, जनसभाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन ऐसा जनसैलाब, ऐसा जुस्सा सरकार को बदलने का, ऐसा संकल्प आम तौर पर नहीं दिखाई देता है, जो इस बार कर्नाटक में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की जनता का संकल्प है कि 5 साल तबाह हो गए, अब एक पल भी कर्नाटक को बर्बाद नहीं होने देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश में क्या कारण है, देश के हर कोने से कांग्रेस पार्टी की छुट्टी हो रही है। कहीं पर नजर कीजिए, पिछले 4 साल में देश के हर कोने में कांग्रेस पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। आजादी के बाद पहली बार देश की जनता को देशव्यापी एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नई आस्था, नया उमंग, नया विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, ये चुनाव हमारे इस क्षेत्र में कौन विधायक बने, कौन न बने, कौन पार्टी जीते, कौन पार्टी हारे, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इस छोटे से काम के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य तय करने के लिए है, कर्नाटक के किसानों का भाग्य बदलने के लिए है, कर्नाटक की माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए चुनाव है, यहां के नौजवानों को उनके हक का, अधिकार का जो मिलना चाहिए वो मिलने के लिए चुनाव है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 12 मई को जब आप मतदान करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के उज्जवल भविष्य को ही ध्यान में रख करके कमल के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार कर्नाटक के विकास के लिए कर्नाटक की भाजपा के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी। भाइयों बहनों, कलबुर्गी ये देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का कलबुर्गी के साथ एक विशेष रिश्ता रहा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इस कलबुर्गी को लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनाया,
निजाम ने जब विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, तब लौह पुरुष ने उनको झुकने पर मजबूर कर दिया था। गोरोटा गांव, वहां जो शहीद हुए, मैं आज इस धरती से उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूं। जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने किया, उसी प्रकार का अत्याचार निजाम के राज में गोरोटा के शहीदों को झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को और विशेषकर कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने शहीद स्मारक का निर्माण किया। ये काम जो स्थानीय जनता ने किया वो कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी, लेकिन जहां भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो कांग्रेस के एक परिवार की नींद उड़ जाती है और पूरे कांग्रेस के लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से पीछा छुड़ाने के लिए भागते रहते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये तिरस्कार ये कोई नई घटना नहीं है, ये उनके स्वभाव में है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के स्वभाव में ये भी है, सिर्फ सरदार वल्लभ भाई नहीं, देश के अन्य वीर शहीद नहीं, ये कांग्रेस पार्टी तो शहीदों और देशभक्तों का उनको नीचा दिखाना, उनको भुला देना, उनको अपमानित करना, क्योंकि तभी एक परिवार की गाड़ी चल पाए, इसलिए इतिहास को भुला देने का लगातार प्रयास रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों के किले में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके छक्के छुड़ा दिए, और भारत के एक प्रसिद्ध अखबार ने लिखा था कि वहां के लोग कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ट्रकों में पाकिस्तान को मृतदेह उठाने पड़ रहे थे, ऐसा पराक्रम सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे वीर सैनिकों ने किया। तब ये कांग्रेस पार्टी बेशर्मी के साथ देश के शहीदों का अपमान करने की आदत रखने वाली, देश के वीरों का अपमान करने की आदत रखने वाली, मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को भुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा, मोदी जी जरा सबूत लाइए, सबूत लाइए। मैं जरा कलबुर्गी के भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको सबूत की जरूरत है? क्या मेरे वीर जवान कैमरा लेकर के जाएं या बंदूक लेकर जाएं? भाइयों बहनों, सबूत चाहिए तो पाकिस्तान में जो मुर्दे हटाए जा रहे थे, जरा उनकी जानकारी ले ले कांग्रेस के लोग, उनको पता चल जाएगा हमारे वीर सैनिकों ने कैसा पराक्रम किया।